Hey guys, welcome back to Giz Talks, and today I'm going to tell you all about the latest tech news that you must know. So let's get started. Here is our first tech news. तो गाइज अभी तक Amazon ने जहां जहां पे अपना हाथ डाला है वहां से सक्सेसफुल ही होके निकला है, एंड अब Amazon ट्राई कर रहा है फूड बिजनेस में आने की। तो गाइज Amazon की बिजनेस फूड वाला अगले मंथ से शुरू हो जाएगा बैंगलोर में, एंड धीरे धीरे मुंबई की तरफ आएगा एंड दिल्ली में आएगा लाइक Zomato हो गया। लेकिन उन्होंने दावा करा है कि जितना कमीशन जो Zomato एंड स्विगी वाले जितना कमीशन लेते हैं वो उससे 1/4 कमीशन लेंगे। अगर आप लोगों को ना पता हो तो Zomato एंड स्विगी जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे अराउंड 22.5% का कमीशन लेते हैं, लेकिन Amazon ने दावा किया है कि वो उनसे 1/4 कमीशन लेगा, जो कि शॉपकीपर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। इनकी सर्विस आ जाएगी तभी पता लगेगा कि ये कितना सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। तो तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड टेक न्यूज की तरफ, जो कि है अगेन फेसबुक के बारे में। तो गाइस फेसबुक अलग ही लेवल पे चल रहा है, अपडेट्स पे अपडेट्स लाए जा रहा है, नई नई चीजें लाए जा रहा है, जबकि यंग जनरेशन ने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से फेसबुक यूज करना बंद कर दिया है, तब भी वो अपडेट पे अपडेट अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। इसी के चलते हुए फेसबुक ने एक नया अपडेट निकालना है, अपडेट का एक नई ऑलमोस्ट साइट ही बनेगी उनकी, जिसके ऊपर वो लोग डेटिंग के बारे में बताएंगे। डेटिंग के मतलब प्रॉपर एक डेटिंग ऐप बनाने वाले हैं फेसबुक, जिसके अंदर 20 कंट्रीज में ऑलमोस्ट ये लॉन्च भी हो चुकी है। ट्राई करके देख लो, अगर वैसे इंडिया में अभी नहीं आई है, जहां जहां पे आई है वहां के लोग ट्राई करके देख सकते हैं। एंड हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड टेक न्यूज की तरफ, जो कि है ट्रेड वॉर के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेड वॉर के चलते हुए Huawei ने कोई भी गूगल के प्रोडक्ट्स यूज करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है, बल्कि मना क्या कर दिया, गूगल ने भी बैन कर दिया कि हम आपको कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी के चलते हुए Huawei ने अपना एक नया फोन बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा Mate X एंड Mate 30, जिसके अंदर कोई भी गूगल की ऐप नहीं होगी। उन्होंने ईमेल के लिए, प्ले स्टोर के लिए, सबके लिए कुछ नया बना लिया है। अब इस फोन का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। अब देखते हैं उनका फोन कैसा आएगा। एंड हम बढ़ते हैं अपनी आज की फोर्थ टेक न्यूज की तरफ, जो कि है हमारी एक पुरानी ऐप के बारे में, कैम स्कैनर। तो गाइस कैम स्कैनर को हटा दिया गया था प्ले स्टोर से, क्योंकि उसके अंदर बग्स मिले थे जो कि लोगों का डाटा चुरा रहे थे, बहुत मतलब बहुत क्योस हो गया था, एंड वो वापस आ गया है प्ले स्टोर पे। गूगल का कहना है कि उन्होंने अपने बग्स को सही कर दिया है एंड अपडेट भी करी है काफी सारी चीजें। तो अब एक बार आप चाहो तो मतलब आप कैम स्कैनर को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड विद गिज़मीक।